हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिपिक आज का मेरा टॉपिक है सोलर सिस्टम तो सोलर सिस्टम होता क्या है द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म्स द सोलर सिस्टम जो भी सन है सेलेस्टियल बॉडी प्लानट्स हो गए मेट्रॉइड स्टार्स ये जो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड दैट इज दैट फॉर्म्स उसको मुव बना देता है सोलर सिस्टम्स ठीक है इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज सच एज प्लानिट ये क्या होता है लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज से कि जिसकी बना हुआ क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है सोलर सिस्टम में प्लानट्स कॉमेट्स एस्ट्रॉयड्स मेट्रॉइड्स ये हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में सो थर्ड पॉइंट है द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दीज ऑब्जेक्ट्स की एकदम रिवॉल्विंग अराउंड इट जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है ग्रेविटी है सन और बाकी ऑब्जेक्ट्स के बीच में ऑब्जेक्ट्स मतलब प्लान्स ठीक है बाकी सारी चीज़ों के बीच में इसकी मदद से ही ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ही वो सन के आसपास घूमती हैं क्या प्लानट्स घूमते हैं फिर द अर्थ ऑल्सो रिवोल्वस अराउंड द सन जो अर्थ है ठीक है ये भी प्लानट क्या होता है सन के आसपास पास क्या है? करता है रिवॉल्व करता है देयर आर सेवन अदर प्लानट दैट रि अराउंड द सन और अर्थ के अलावा सेवन और भी ऐसे प्लानट हैं जो कि सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं एट प्लानट्स इन देयर ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्राम द सन तो जो एट प्लानट्स हैं ये ऑर्डर वाइज आपको याद होने चाहिए ऑर्डर डिस्टेंस में कि कैसे किस किस ऑर्डर में है सन के आसपास वो रिवॉल्व करते हैं दैट इज़ मर्करी वीनस मार्स अर्थ मार्स जुपिटर सैटरन यूरानस एंड नेपच्यून ये सारे प्लैनेट्स सबको पता होना चाहिए ठीक है तो आई होप आपको सोलर सिस्टम से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और भी चीज़ें जो भी सोलर सिस्टम में हैं उसमें डिटेल डिस्कस करेंगे तो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए यूनिफेक थैंक यू